अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एन एच एडिटिंग। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? तो आज की हमारी वीडियो है लाइट रूम कलर ग्रेडिंग और लाइट रूम गोल्डन लाइट इफेक्ट। तो आज की हम अपनी पिक्चर में कलर ग्रेडिंग करेंगे और अपने पिक्चर में गोल्डन लाइट इफेक्ट डालेंगे फेक। तो बिना टाइम वेस्ट किए फ़ोटो एडिटिंग करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, लाइक कमेंट और शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी पिक के लाइट को एडजस्ट करेंगे। तो लाइट में हम जाएंगे, इसका एक्सप्लोरर हम माइनस में लेकर जाएंगे, -15। तो कंट्रास्ट यहाँ पे हमारी लाइट एडजस्ट हो गई है हमारी पिक के हिसाब से। आपने अपनी पिक के हिसाब से अपनी लाइट को एडजस्ट करना है। सेकंड हम इसको कलर वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसके टिंट को हम माइनस में लेंगे, -6 कर देंगे, इसके वाइब्रेंस को प्लस में थोड़ा सा करेंगे, +20 या 22 कर लेते हैं। इसके बाद मिक्स टूल पे जाएंगे, मिक्स कलर में। तो फर्स्ट वाले कलर में हम जाएंगे लिप्स वाले कलर में, तो इसकी ह्यू को -12 कर देते हैं और इसकी सैचुरेशन को +75 करते हैं, 70 कर देते हैं 1। और सेकंड ऑप्शन हम जाएंगे ऑरेंज कलर में, इसकी सैचुरेशन को माइनस में लेकर जाएंगे, -16 कर देते हैं, इसकी ल्यूमिनस को प्लस में लेकर जाएंगे, +22 कर देते हैं। हमारे चेहरे पे वाइटनिंग आ गया। और नंबर 3 वाले ऑप्शन में हम जाएंगे, इसकी ह्यू को -16 में लेकर जाएंगे और इसकी ल्यूमिनस को माइनस में कर देंगे, -30 खा देते हैं। और सेकंड हम जाएंगे ग्रीन वाले ऑप्शन में, इसकी ह्यू को माइनस में लेके जाएंगे, -20 कर देते हैं और इसकी सैचुरेशन को -80 कर देते हैं और इसके ल्यूमिनस को भी कम करके 19 पे कर देते हैं, -19 में। इसके बाद हम ब्लू कलर में जाएंगे, ब्लू कलर में हम इसकी सैचुरेशन को प्लस में करेंगे, +14 कर देते हैं और इसकी ल्यूमिनस को माइनस में ले जाते हैं, -25 कर देते हैं, इसकी ह्यू को -6 कर देते हैं। यहाँ से हम डन करेंगे। डन करने के बाद हम जाएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन में, इफेक्ट वाले ऑप्शन में हम इसकी क्लैरिटी को +10 कर देते हैं और इसके रेज को भी प्लस में कर देते हैं, +14 कर देते हैं। इसके बाद हम डिटेल में जाएंगे, इसकी शार्पनिंग को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, +20 कर देते हैं और इसको मास्किंग भी कर लेते हैं। इसके बाद ओपेसिटी वाले ऑप्शन में जाने के बाद दोनों ऑप्शन को ऑन कर लेंगे, नेबर लेंस कनेक्शन को भी ऑन कर लेंगे। यहाँ पे हमारी पिक कलर ग्रेड हो चुकी है, कलर ग्रेडिंग हमने अपनी पिक की मुकम्मल कर ली है। अब हम अपनी पिक में गोल्डन लाइट इफेक्ट डालेंगे। उसके लिए हम मास्किंग वाले ऑप्शन में जाएंगे,
आइकन क्लिक करेंगे, उसके बाद हम सिलेक्ट सब्जेक्ट करेंगे, हम अपने बैकग्राउंड को थोड़ा सा डार्क करेंगे। मास्किंग में जाने के बाद हमने बैकग्राउंड को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेंगे, लेफ्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसके एक्सप्लोरर माइनस में लेके जाएंगे, माइनस कर देंगे, इसके कंट्रास्ट को थोड़ा सा ब्लैक थोड़ा सेट कर लेते हैं, हाईलाइट माइनस टेन कर देते हैं, शेडो शेडो को भी थोड़ा सा कम कर लेंगे, ब्लैक को माइनस टेन कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड काफ़ी हद तक डार्क हो चुका है, यहाँ से हम डन करेंगे। उसके बाद फिर हम मास्किंग वाले ऑप्शन में जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, हेडिंग को पर क्लिक करेंगे। अब हमें अपना वो वाला हिस्सा सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमें गोल्डन लाइट चाहिए, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें गोल्डन लाइट चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इफेक्ट वाले ऑप्शन में, इसकी डिहेज को माइनस करेंगे, माइनस 80 कर लेते हैं। उसके बाद लाइट वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसकी हाईलाइट को प्लस 30 कर देते हैं, इसके एक्सप्लोरर को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे। टू पे कर लेते हैं। इसके बाद हम जाएंगे कलर वाले ऑप्शन में, इसके टेम्परेचर को प्लस 100 कर देंगे, इसके रेंज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और इसकी सैचुरेशन को भी प्लस 70 कर देते हैं, 71 कर देते हैं। उसके बाद हम जाएंगे कलर वाले ऑप्शन में, कलर वाले ऑप्शन में जाने के बाद हम यहाँ पे गोल्डन लाइट इफेक्ट डालेंगे, इसकी सैचुरेशन 100 और ह्यू को 61 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी पिक्चर में गोल्डन लाइट आ गई है, यहाँ पे हमारी पिक डन हो गई है। तो हमारे बैकग्राउंड में गोल्डन लाइट काफ़ी हद तक बेहतरीन लग रही है, पिक्चर के हिसाब से भी। बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा सा हो गया, सॉरी ब्लर नहीं, डार्क हो गया। तो ऐसी और वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए, पिक एडिटिंग सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो शेयर लाजमी करिएगा।